है साउथ गोवा, आओ आप लोग। मैं पहले कभी नहीं आई थी, फर्स्ट टाइम दिस इज साउथ गोवा एंड यहाँ के बीच एक्चुअली बीच, और ये बहुत ही सुंदर बीच है, यहाँ बहुत मजा आ रहा है हम लोगों को। और सो हाई गाइज, बैक अगेन एंड दिस इज़ द मॉर्निंग टाइम वी वोक अप। और मैंने आप लोगों को कल का यहाँ का पूरा फुल टूर दिखाया नहीं था, अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि बिकॉज वी आर सो टायर्ड इन द मॉर्निंग। बट दिस रिजॉर्ट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, लाइक कुर्ग हम जब गए थे तो कुर्ग में भी फॉरेस्ट व्यू काइंड ऑफ प्रॉपर ऐसा व्यू था, यहाँ पर भी सेम ऐसा ही है। सो हमें बहुत अच्छा लगा, और अभी ब्रेकफास्ट टाइम भी है हमारा, तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग बीच जाएंगे, फिर हम लोग दिन की एक्टिविटी जो जो करनी है वो करेंगे, देखेंगे। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा एक टूर दे देती हूँ कि ये कैसा है। तो शाम तक की जितनी क्लिप दिखाई थी उसके बाद जो मॉर्निंग की अब मैं दिखा रही हूँ, ये मॉर्निंग की ही क्लिप्स हैं। सो रेडी, दिस इज़ द होल रिजॉर्ट एंड ये हमारा यहाँ से ये वन बाय वन करके ऐसे कुछ रूम्स हैं। ओके, एंड ये फील दिया हुआ है थोड़ा सा जस्ट बैम्बू ट्रीज एंड ऑल, जस्ट फॉर लाइक फॉरेस्ट व्यू। एंड दिस इज़ आवर रूम 110 एंड यस, अंदर अभी मैं दिखाती हूँ आपको अंदर का भी। तो इस तरीके से फुल रिजॉर्ट है ये, एंड उधर सिटिंग अरेंजमेंट्स भी हैं बैठने के लिए, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और देखो ग्रीनरी ग्रीनरी है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, वाइब बहुत अच्छी आ रही है यहाँ की, सो आई फील गुड एंड दैट प्लेस यू सी। ओके, सो मैं अब आपको ऑल दीज आर रूम्स इन अपस्टेयर्स ऑल्सो, एंड नाउ मैं आप लोगों को लेक की तरफ लेके चलती हूँ। यहाँ से भी ऊपर जाने के बाद रूम्स हैं, तो हम लोगों को ग्राउंड फ्लोर वाला ही रूम मिला है। एंड यहाँ से जाने के बाद भी यहाँ पे लेक है, वहाँ पे ग्रासेस वगैरह हैं, एंड या आई लव दिस व्यू। मैं रात को यहाँ पे आके बैठी हुई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा थोड़ी देर, सो बहुत ही सुंदर है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये सी ये सो नेचर व्यू प्रॉपरली, सो आई लाइक दिस प्लेस टू मच। तो अभी हम लोग 3 डेज़ के लिए यहाँ पे हैं, तो आपको पूरा मैं व्यू दूंगी। अब राइट नाउ वी आर गोइंग फॉर ब्रेकफास्ट, हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, उसके बाद मैं आपसे आगे बात करती हूँ। तो ब्रेकफास्ट में क्या क्या है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, तो चलो ब्रेकफास्ट में मिलते हैं। सो दिस इज़ द एरिया जहाँ पे ब्रेकफास्ट का है पूरा अरेंजमेंट। अद्दू नमस्ते कर दो, अद्दू नमस्ते। चला उसको, उसको चलाना नहीं आ रहा शायद। आपको दूसरा चाहिए, दूसरा चाहिए साइकिल, दो पेडलिंग वाला चाहिए, दूसरा साइकिल चाहिए। ओके जाओ उस पे बैठो, दूसरा साइकिल चलाओ। सो मुझे बहुत मजा आ रहा है, बहुत ही अच्छा रिजॉर्ट है, बहुत अच्छा व्यू है, ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा है इस रिजॉर्ट का। आप लोगों में जितना भी यहाँ का डिस्क्रिप्शन होगा ना लिंक, उसमें डाल दूंगी, ओके कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, सो देख लेना एंड या वेरी नाइस, गो फॉर इट। इज एक्साइटेड फॉर मॉर्निंग बीच? यस यस, बट टुडे मजा आ रहा है। वो सनस्क्रीन लिया? मैंने नहीं लिया, नो कंसीलर, अभी सनस्क्रीन की जरूरत है। सो फाइनली वी रीच्ड वर्का बीच,
मॉर्निंग हम इवनिंग में नहीं आए थे बिकॉज इवनिंग में सेफ नहीं था, तो होटल वालों ने हमें मना कर दिया. नाउ मॉर्निंग में हम लोग आए हैं. मॉर्निंग अभी जस्ट 9:00, इट्स 9:00 राइट नाउ. सो अभी आपको बीच दिखाती हूँ मैं. गोवा और बीच ना दिखाया हो, अभी आपको पास से मैं बीच दिखाती हूँ. बीच ये शाम में हम लोग इस बीच पे नहाने आएंगे. यस, शाम को हम इस बीच पे नहाने आएंगे. फुल एंजॉय. नाइस ना, नाइस व्यू. साउथ गोवा के बीचेस लेकिन अच्छे हैं. नाइस, वाह. पूल का है, ब्रिज. मजा आ रहा है मेरे को बीच पे. वाओ, नाइस. बहुत ही अच्छा है साउथ गोवा, लेकिन बहुत पीस वाला है साउथ गोवा. आओ आप लोग, मैं पहले कभी नहीं आई थी. फर्स्ट टाइम दिस इज साउथ गोवा. एंड यहाँ के बीच एक्चुअली में बहुत सुंदर है, बहुत शांति है. Three hours later. Yay! Adu! Adu! One eternity later. So hi, back again and in the evening time. Or now we reached that Kolva beach. Or हम दिन भर थोड़ा घर पे chill कर रहे थे because so much sunny. So now हम लोग बाहर निकले और अभी हम Kolva beach आए हैं. और इधर ये full parking area. मैं आप लोगों को parking area दिखा देती हूँ. ये side में, इधर, this side, these are all parking area. अब हम beach पे जा रहे हैं और ये वाला beach मैंने सुना है बहुत अच्छा है South Goa का. तो अब मैं beach पे जाके आपको दिखाती हूँ और कुछ अच्छे अच्छे shots बनाऊंगी और आपको अपना ड्रेस भी दिखाऊंगी. तो चलो बीच पे मिलते हैं. Kolva बीच. क्या माइक? यस. मीटिंग करवाना है फेवरेट वालों में, बस दिखेगा. ये मेरे मेरी चप्पल इसमें वो हो जाएगी, मेरे को चप्पल वो करनी पड़ेगी. है कैसा लग रहा है? मस्त. मस्त, मजा आ रहा है. सो दिस इज द बीच और ये बहुत ही सुंदर बीच है. दिस इज Kolva बीच और मैंने कुछ शॉट्स अभी लिए हैं. यहाँ बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं. बहुत ही सुंदर बीच है, बहुत ही क्लीन है. आफ्टर लॉन्ग वाइल हम लोग गोवा आए हैं 1 year बाद और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. यहाँ वाइब अच्छी आती है. कौन सा चाहिए बताओ? ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए. कलर कलर जल्दी बोलो. अरे अपना नाम बताओ. बेबी नहीं, बेबी. अज्जू. अज्जा. अज्जू. अज्जा. अज्जू कैसा एड्रेस? छोटा 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 नहीं, अच्छा अच्छा. क्यूट क्यूट क्यूट. So we came now this restaurant Domingo's. So we came to this restaurant Domingo's. Now we are deciding कि हमें क्या ऑर्डर करना है. So we
ordered तवा fry fish और fish का क्या नाम है? Fish का क्या नाम है? Kingfish. तो मैं आपको उसकी एक वीडियो दिखाती हूँ. This is tawa fry fish. जिसको खाना हो वो हमें आगे खा सकते हैं. Now we are going to a hotel and the food is very nice. This is the restaurant जो मैंने आप लोगों को दिखाया. तो फूड बहुत अच्छा था, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, म्यूजिक म्यूजिक भी है. सो नाइस नाइस म्यूजिक नाइस फूड हैप्पी. नाउ वी आर गोइंग टू होटल एंड फॉर सम वॉक ऑल्सो बिकॉज हमने कुछ ज़्यादा ही खाना खाया है.